हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अकेली अभी रूम से सब जा चुके हैं, सब आए थे और अभी मैं अकेली हूँ। कान्हा के पापा गए हैं ब्लड डोनेट करने। एक्चुअली बताती हूँ आपको, स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। टेस्टी है सामने लग रही है, एक बार खा के एक टुकड़ा। हाँ कह दिया, बाय। ध्यान रखना अपना, लड़ाई नहीं करनी है ना। लवी ठीक है? लाया कि नहीं? रुक रुक के बन रही है। अच्छा, तो केटली हम ले आए हैं, रेहम लाते रहा पूरी हंद करके है ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि ड्रेस व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं भी आज ठीक हूँ। ये मशीन लगी हुई है ये लगाने की, इससे नाप के जाएगा। और पहले से आज थोड़ी तबीयत ठीक है, आइज भी आपको दिख रही होंगी थोड़ी कम येलो हुई हैं। और बाकी तो रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी तब पता चलेगा। आज मैं नहाऊंगी, हेयर वॉश करूंगी यहीं पे, कई दिन हो गए थे। अब देखो, दिन में मैंने कान्हा को भी बुलाया, मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, तब मन कर रहा उसको बुला लूँ। वैसे तो यहाँ रूम में कोई आता नहीं है, बट फिर भी वो आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, दिखाती हूँ। इडली, दलिया, टोस्ट और ये पता नहीं क्या क्या है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। ये कान्हा के पापा का बेड है, वो गए हैं अपना ब्रेकफास्ट करने, तो मैं भी अपना ब्रेकफास्ट करके आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। नहा के और भी अच्छा लगेगा। और देखते हैं आज के दिन क्या क्या होता है, हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होते हैं या फिर जो भी है। तो मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और डॉक्टर ने बोली है काफ़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गई है इस टाइम पे, थोड़ी दिक्कत है। और साथ में मुझे बताया है, क्योंकि ये वायरस है जो अपने आप ही जाएगा, तो सिर्फ खाना है और थोड़ी 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 देर में खाते रहना है और बस आराम करना है, उसके बाद अपने आप वायरस बॉडी से निकल जाएगा। खाने के लिए सच किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं है, बट हॉस्पिटल से जो आता है वो तो इतना मेरा मन नहीं करता। मैं घर से भी कुछ ना कुछ मंगवा ही लेती हूँ, तो बनवा के वहाँ से आ जाता है या जाए यहाँ से जो भी है। कोशिश करती हूँ हर आधे पौने एक घंटे में, क्योंकि ये तो हर दो दो घंटे में देते ही रहते हैं, इतना ढेर सारा होता है, बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा मेरे से खाया ही नहीं जा रहा है। बट ठीक करना है तो खाना तो पड़ेगा ही। और दो दिन बाद हॉस्पिटल में नहाई हूँ, उसके बाद अपने हेयर वॉश करें, उससे थोड़ा सा रिलैक्स सा फील होता है, काफ़ी अच्छा अच्छा सा, तो नहा के काफ़ी रिलैक्सिंग फील हुआ। और आ गया यहाँ पे मेरा सूप। अपने लिए बना रहा हूँ, खुश हो रही होगी तो, मन रहा है चाची तेरी सेवा हो रही है। सारे भाई पी जाओ। क्या लग रहा है खाना का? होटल हाँ, ऐसी हो जाएगी। लगा लिया दोनों सीट, तीन लग जाए ना, तीन तीन सीट लग जाएंगी ना। मैं यही रुक जाऊँ तो मैं देखेंगे, पापा से पूछेंगे, चुपचाप पूछे, वो रुकने नहीं देंगे ना। जब बेचारे के आके टूटे कई सारे, अब आके टूट रहे हैं। टेस्टी है सामने लग रही है, एक बार खा के एक टुकड़ा। कहाँ गई है? जमाने वाली कश्मीर
थोड़ी आयो मुझे मजे आए मैं तो पोलो भी पढ़ लिया था कल 15 GB पढ़ लिया था पोलो पढ़ लिया था 15 GB भी पढ़ लिया था पंडित जी वो कैसे बोलता पंडित जी हाँ कह दिया बाय ध्यान रखना अपना लड़ाई नहीं करनी है ना खाना वाना खाना अच्छे से तो पूजा खाना वाना खाना लवी ठीक है लवी तो मौज में लाया किनवा मैं ऐसी लवी का लवी कौन सा ब्लड डोनेट कर देती जब कह रही ना मैं आऊंगी शाम को फिर मैं अपने दोस्त से गया अच्छा हे गाइस कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे तो मैं यहाँ लेटी हुई हूँ अकेली अभी रूम से सब जा चुके हैं सब आए थे मैं अकेली हूँ काना के पापा गए हैं ब्लड डोनेट करने एक्चुअली बताती हूँ आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ कई दिन से मैं आपको वीडियोस दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे भी डेली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी हालत है ख़राब आपको पता ही है हॉस्पिटल में ज़्यादा किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं और जैसे कि कोविड सीज़न है बट यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत आ गए हैं लास्ट टाइम जब मैं एडमिट हुई थी तो बिल्कुल भी नहीं आने दिया था उस टाइम तो कोविड पीक पे था तो अभी घर से सब आ रहे हैं दिन में एक एक बार खाना मीकी मम्मी चाची दीदी सब आके जा चुके हैं बस वही 10-10 मिनट के लिए आते हैं तो उतनी देर तो ठीक लगता है बट पूरे टाइम अकेले क्योंकि काना के पापा अकेले हैं यहाँ पे अटेंडेंट तो अभी वो गए हैं ब्लड डोनेट करने भाई आया है वो भी गया है उसके फ्रेंड आए हैं जीजू आए हैं उनके फ्रेंड आए हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि 4-5 बॉटल प्लाज्मा चढ़ना है ब्लड की हो गई है बहुत ज़्यादा कमी और जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा है प्लाज्मा चढ़ेगा 2 ड्रिप ऑलरेडी लग रही हैं एक दवाई है एक एंटीबायोटिक है ये मशीन से जा रही हैं तो मैं बस अपने टाइम पास के लिए यहाँ जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है तो सोच रही हूँ थोड़े बहुत ब्लॉग बना लूँ इस बहाने मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती रहूँगी और थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी शायद जल्दी रिकवर कर पाऊँ डॉक्टर ने कहा है पॉजिटिव रहो अच्छे से रहो खुश रहो हॉस्पिटल में और इतनी सारी दवाई और मेडिसिन के बीच में कैसे पॉजिटिव रहें तो मुझे यही तरीका ठीक लगा कि मेरा तो आपको पता ही है मैं हमेशा बताती भी हूँ कि व्लॉगिंग के थ्रू मैं थोड़े अपने आप को अच्छा रख पाती हूँ तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग वगैरह ही बनाते हैं तो एक दिन में जो भी रहा वो सब बट अब मैं रूम में हूँ तो सोचा थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेते हैं सांस फूलनी और थकावट होनी नींद आनी पेट में दर्द ये सब चल ही रहा है ऑलरेडी अभी धीरे धीरे इन्फेक्शन कम होगा तो सारी चीज़ें ठीक होंगी सेटल होंगी और वापस अपने रूटीन पे आएंगे बट जब तक नहीं हो रहा है तब तक आपको यही सब देखना पड़ेगा अभी जो चल रहा है मेरी लाइफ में रूटीन में तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डॉक्टर ने मुझे बोला है लीवर इन्फेक्शन की वजह से मीठा खाने के लिए वो मैं बता ही चुकी हूँ तो मैंने घर से मंगाया था मम्मी से मीठे जवा मीठी सेमियाँ वही मैं खाने वाली हूँ ड्रिप लगी हुई है ना तो कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा और हाथ में भी पेन हो रहा है थोड़ा सा तो मैंने थोड़े से ले लिए हैं जवा और मैं अलग ही खाऊंगी क्योंकि जो मेरे इन्फेक्शन है वो फैलने वाला है झूठा नहीं खा सकते ना ही खिला सकते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से ले लिए हैं खाना के पापा खा लें क्योंकि इतने सारे मेरे से खाए भी नहीं जाएंगे मम्मी ने बहुत सारे बना के भेजे हैं और घर से आया था यहाँ से सब्जी रोटी सब कुछ आया था बट उसी टाइम यहाँ पे लंच आ गया तो मेरा कुछ मन नहीं था मैंने सिर्फ छाछ पी 2-3 ग्लास बढ़िया और अब ये खा के मैं सोऊंगी तुम कह रही थी क्या कह रही हो तुम थोड़ी देर पहले कुछ और कह रहे हो ना का? तीन चढ़ाए तो वो सिस्टर उस टाइम कह रही तीन चढ़ाएंगे अब कह रहे चार चढ़ा दें चलो कोई ना मैं तो सोच रहा हूँ संकल्प मैं भी ले लूँ कि मैं कम से कम साल में 2-3 बार ब्लड डोनेट करूँ ताकि किसी नीड एक काम आ जाए क्यों पूजा बिल्कुल क्योंकि ब्लड तो वही है अपना कितने दिन बन जा रहा है मुश्किल से
तो क्या बताया है 3-4 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। उसे अपना ब्लड भी अच्छा लगा है, साइंटिफिकली वो फायदा भी है और वैसे किसी जरूरतमंद के काम भी आ सके। तो मैं तो मतलब चलो एक क्योंकि ना एक बॉटल एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में रहवे स्टोर, जो खाली हुआ ना एक्स्ट्रा वो गली भर जाएगा। रिप्लेसमेंट बहुत रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा उसकी। मैं तो रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेट करता हूं। चलो इसको मैं प्रैक्टिस बनाता हूं, हेल्दी प्रैक्टिस बनाता हूं। तो मेरे बाल काम कर रहे हैं, सुबह से काढ़ गया मैं यूज़ हो गया और ये सारे चिपक गए और अब इनको सुलझाने की मशक्कत करेंगे मिस्टर डेढ़ा। पहली बार कर रहा हूँ, माल टूटे हैं फूटे हैं कुछ भी हो मेरी जिम्मेदारी कम से कम है इस बार, ठीक है क्योंकि मेरी पकड़ में आ नहीं रहे चीज़ें। ये पूछ लो कि वैसे ही दे दे या फोन पर बात करके दे दे तो। हाँ बच्चे ठीक है करते हैं। हाँ कमजोर। हाँ अभी आई मैं शाम को। सिक्योरिटी है वो तो पकड़ मार ले। ये पेशेंट कहीं बिना बिल दिए भाग रहे हो तो पकड़ डाले सिक्योरिटी है नहीं। ये पेशेंट चाइनीज ड्रेस पहन के बिना पेमेंट दिए कहीं भाग रहा हूँ। ओए चाइनीज आज तूने जूडो कराटे ड्रेस क्यों पहन रखी है? वो चल गया मार रहे उसे एक जूडो पटकी मारे मेरा है देख तेरी रिंग भी बन रखी है नीचे तेरा पाला वाला सब बंद रखवाया। क्या हुआ क्यों परेशान लग रही है? रोने का मन हो रहा था तो बैठी नहीं थी। चल हो जाएगी मत रख। जय माता दी। हर दिन का दूध अलग रहा है ना। नहीं तो एक ही दिन थोड़ा सा ना रात को आपको लेते लियो तो वहाँ मिट्टी गाड़ी जाएं खाली। और ये है मेरे डेली लास्ट मील, मतलब दिन में इतना खाया दूध के साथ ये लाए हैं स्वीट ब्रेड ये भी खाने के लिए क्योंकि अभी रात में जो मुझे एंटीबायोटिक्स हैं उसकी वजह से कई बार भूख भी लग जाती है। तो वैसे तो डॉक्टर का मीठा खाना मैं रसगुल्ले वगैरह कुछ खाती हूँ पर वो मिला नहीं तो फिर ये खाए हैं। तो गैस जो मुझे बीमारी हुई है अभी हेपेटाइटिस की उसकी वजह से मेरे हो गई है काफ़ी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन पहले भी थी और अब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। डॉक्टर ने कहा काफ़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है अभी जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है 9 मंथ तक मुझे कैसे भी टाइम निकालना ही है। तो उसके लिए मेरे सुबह सुबह हो गया था थोड़ा सा पेट में दर्द स्टार्ट। वॉक कर रही हूँ मैं सुबह 3:30-4 बजे की क्लिप है ये तो उस टाइम मैंने वॉक वगैरह स्टार्ट करी। तो किसी भी लेडी के लिए ये टाइम वैसे ही बहुत टफ होता है और हर एक मदर के लिए जो न्यूली मॉम है या मॉम बनने वाली है बहुत ही टफ होता है। मतलब आप सुबह शुरू से लेके फर्स्ट मंथ से लेके और 9 मंथ तक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी इन सब चीज़ों से गुजरना इंजेक्शन वैक्सीनेशन और पता नहीं क्या क्या बहुत ही टफ है। तो सेम मेरा हाल यही चल रहा है इस टाइम। कुछ तो एक वायरस से परेशान हो गए हैं जो ये हो गया है मुझे हेपेटाइटिस का और साथ में प्रेगनेंसी है जो कि काफ़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। बट चलिए आगे जो भी रिपोर्ट्स आती है मैं आपको अपडेट करती हूँ और मिलती हूँ आपसे।